अरे पापा, आप शादी करके आ गए? हाँ। मम्मी को मरे हुए 6 महीने नहीं हुए, आपको शर्म नहीं आ रही है? अरे ज्यादा बहस मत कर मुझसे, जा अपनी नई मम्मी को लेकर आ, इतने में मैं कमरा साफ कर दूं। जा। तू तू तूने मेरे पापा से शादी कर ली? हाँ, वैसे भी तू तो जानता है ना, मैं तुझसे नहीं तेरी प्रॉपर्टी से प्यार करती हूँ। अब तेरे बाप की तो उम्र ज्यादा हो ही गई है, पता नहीं कब मर जाएगा, उसके बाद ये सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी और तू मेरा नौकर। अरे वाह, क्या बात है, नई मम्मी से दोस्ती भी हो गई, वाह वाह। पापा आप जानते नहीं है इसको, ये कौन है? अरे हाँ हाँ जानता हूँ मैं, ये तेरी बंदी है। अरे बेटा, इसका बाप तो कहीं और शादी कर रहा था इसकी, मैं इसे भगा कर लाया हूँ तेरे लिए। अरे पापा, तो आपने इसको क्यों भगाया? क्योंकि इससे शादी होने देते, इसकी शादी कहीं और। अरे मैंने इससे शादी वादी कोई नहीं की, मैं तेरे लिए भगा कर लाया हूँ। हाँ भगवान का अलग अलग शुक्र है। पक्का पापा आपने शादी नहीं करी इससे? अरे सच बोल रहा हूँ, कितनी बार बोलूं, तेरे लिए भगाया इसे। ओ भगवान, बच गए। ओ अंकल जी, अब ना आप बस मेरी और ईशू की शादी करा दीजिए। अबे हट, तुझसे मैं कोई शादी वादी नहीं करने वाला। और पापा आपको पता है, ये मुझसे कोई प्यार व्यार नहीं करती है, ये हमारी प्रॉपर्टी चाहती है, इसलिए मुझसे शादी करना चाहती है। सुन, मैं तुझसे शादी वादी नहीं करने वाला, चल निकल यहाँ से, फुट। अरे बेटा, इसने मुझे फोन करके कहा कि मैं आपके बेटे से बहुत प्यार करती हूँ और आपका बेटा भी मुझे बहुत प्यार करता है। इसके पापा कहीं और शादी कर रहे थे, कहती है अगर मेरी कहीं और शादी हो गई तो मैं जहर खा के मर जाऊंगी, इसलिए मैं इसे भगा कर लाया बेटा। पापा ये ना पूरी पागल है, झल्ली है झल्ली, पता नहीं आप इसको कहां से पकड़ के ले आए। और पापा पता है आपको, 3 महीने पहले इससे मेरा ब्रेकअप हुआ था, बड़ी मुश्किल से पीछे छुड़ाया मैंने इससे। अच्छा तो बेटा क्या करना है अब इसका? अंकल जी ये ना झूठ बोल रहा है, ये मुझसे प्यार करता है और मैं इससे प्यार करती हूँ। देखो ध्यान से सुन लो, अगर तुमसे मेरी शादी नहीं हुई ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। चल चल दे दे अपनी जान, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब पापा पता है आपको, ये देखो मैंने एक लड़की देखी है, कैसी है? इससे कितनी अच्छी सुंदर लड़की है। ठीक है, तुम्हें ऐसा समझ में नहीं आ रहा है ना, जब मैं अपनी जान दे दूंगी ना और तुम जिंदगी भर जेल में चक्की पीसोगे तभी तुम्हें समझ आएगा। अब तो जाना देना अपनी जान किसने रोक रखा है, जा चल निकल। रुको तो, अरे बेटा रोक ले इसे, अरे ये मर गई तो जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। बेटा अरे बेटा रोक। अरे पापा करने दो इसे जो कर रही है, मरने दो इसे। रोक ना मेरे पाप, रोक इसे। अच्छा ठीक है रुको, खड़ी हो। इधर आओ, कंधे बांध रखो। ये सब क्या हो रहा है? हाँ पापा, ये हम दोनों का ही प्लान था। हाँ जी अंकल जी, ये हम दोनों का ही प्लान था। वो एक्चुअली क्या है ना, मेरे पापा मेरी शादी कहीं और करा रहे थे, तो मैंने ईशू को बोला कि मुझे मंडप से भगा के ले जाए, लेकिन ये और इसके निठल्ले दोस्त कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कि क्यों ना आपसे मदद ली जाए। उसके बाद ईशू ने मुझे आपका नंबर दिया और आगे की कहानी तो आपको पता ही है। अच्छा अच्छा, मैं तो सोच रहा था इस वीडियो का डायरेक्टर मैं हूँ। अरे डायरेक्टर तो कोई और निकला। वाह बेटा वाह। अच्छा 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 डायरेक्टर।